हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप? स्टॉक पॉइंट में आप सबका स्वागत है। तो मार्केट ओपन हो चुका है, तो अगर आप देखेंगे मार्केट में यहाँ पर, तो ये जो एरिया है बायर्स का एरिया है। तो मार्केट जो अभी उठा है अपने एक बायर्स के एरिया से, यहाँ से उठा है, ठीक है। ये पूरा एरिया एक बायर्स का एरिया है, ठीक है। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो मार्केट का जो नेक्स्ट सेलिंग का एरिया है वो ये है, ये भी एक अच्छा सेलर्स का एरिया है। तो ये मार्केट के एक सेलिंग के एरिया है। अगर मार्केट यहाँ पर इसका हाई ब्रेक करता है तो हम यहाँ से चांसेस है कि एक सी को, मतलब पी को शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट चांसेस है कि नेक्स्ट जो सेलिंग का एरिया वो यहाँ पर है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक जाए, तो अगर मार्केट इसका हाई ब्रेक करेगा तो हम पी को शॉर्ट करेंगे। तो देखते हैं, अभी फिलहाल के दौर में यहाँ मार्केट ने अभी इसका हाई ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है, तो अगर हाई ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पर पी को शॉर्ट करेंगे। तो ठीक है, मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मार्केट ने हाई को ब्रेक कर दिया था और हमने हमारी पी को यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, ठीक है। एसएल बहुत छोटा रहेगा, लगभग इसके एक पास में हम एसएल लगा के रखेंगे और मार्केट हमारे थोड़ा बहुत भी अगेन जाएगा तो हम वहाँ पर निकल जाएंगे। टारगेट अगर मार्केट डायरेक्शन में चलता रहेगा तो होल्ड करेंगे, जब मार्केट हमारे अगेन जाएगा उस टाइम ही हम निकलेंगे, ठीक है। फिलहाल के दौर में पीएनएल की बात करें तो लगभग सीटीसी चल रहा है यहाँ पर 100 रुपीज के आसपास का पीएनएल चल रहा है, लॉस में आ गए। तो वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। अगर मार्केट डायरेक्शन में जाएगा तो होल्ड करेंगे, अगेन जाएगा तो निकल जाएंगे, ठीक है। फिर निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो मार्केट नीचे आ गया था, तो हमने यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ कर रखा था, तो हमने यहीं पर मार्केट जब ने इसको उसको ब्रेक करा था जब मार्केट ने, तो हम यहीं पर ही एग्जिट हो गए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने सी में एंट्री ले ली थी बैंक निफ्टी में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये सेलिंग का एरिया है, ठीक है। ये पूरा मार्केट का जो एरिया है ये सेलिंग का एरिया है, ठीक है। तो मार्केट जब यहाँ से ब्रेक हुआ था तो इस कैंडल पर मैंने लगभग लेट एंट्री लेट ही ली, क्योंकि हम उसमें एग्जिट हो रहे थे, तो फिर इसके बाद यहाँ पर बास्केट बने तो टाइम लगा इसके अंदर, तो लगभग इसके आसपास हमारी एंट्री हुई है। फिलहाल के दौर में अभी हम लॉस में ही चल रहे होंगे, तो ठीक है, ये जो हमारा लॉस था वो कवर हो चुका है। यहाँ पर जो हमारा इसका लॉस हुआ था वो कवर होकर अब हम प्रॉफिट में भी आ गए हैं। तो 300 के आसपास, 200 के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है इसके अंदर। देखते हैं, वेट करते हैं मार्केट जब तक हमारे डायरेक्शन में जाएगा हम होल्ड करेंगे, अगेन जाएगा तो एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। ये कैंडल ने यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल दिखाने लग गया है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा भी फॉल आ रहा है। फिलहाल के दौर में पीएनएल देखेंगे तो 1500 के आसपास का यहाँ पर अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। मार्केट तो नीचे आ रहा है अच्छा खासा। अभी फिलहाल के दौर में जो हमारा एसएल है वो लगभग इसके आसपास का एसएल रहेगा हमारा, ठीक है। कैंडल हो सकता है कि यहाँ से वापस रिवर्स भी हो सकती है, चांसेस कुछ भी हो सकते हैं यहाँ से, क्योंकि मार्केट ने ऊपर की तरफ गया था तो यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। अभी तो हमारी मार्केट हमारी डायरेक्शन में चल रहा है, एसएल हमारा यहाँ पर रहेगा। पीएनएल की बात करें तो लगभग 2000 के आसपास, 1900 के आसपास का पीएनएल चल रहा है इसके अंदर अभी हमारा, तो ठीक है वेट करते हैं। ये यहाँ पर एक बड़ी सारी कैंडल यहाँ पर बन गई थी जिसकी वजह से हम इसमें एग्जिट हो गए। अगर पीएनएल की बात करें तो लगभग हमने जो प्रॉफिट करा है वो 2136 का प्रॉफिट करा है आज, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करके बता देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने पेज को भी रिफ्रेश कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पेज को भी रिफ्रेश कर दिया है, सिंपल सा था। यहाँ से मार्केट का ये जो एरिया है एक बायर्स का एरिया भी है, क्योंकि मार्केट क्या हुआ था यहाँ से भी एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया था, तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर की तरफ जा सकता है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर एग्जिट हो गया हूँ, ठीक है। तो ठीक है, बस यही रीजन था जिसकी वजह से मैं यहाँ पर एग्जिट हुआ हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, पेज पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक छोटी सी एंट्री और मिल रही थी इस पॉइंट पर, तो जब मार्केट ने यहाँ पर ये लेवल को ब्रेक करा था तो मैंने इस कैंडल पे एक एंट्री ले ली थी, छोटा सा स्केल्प करा था और यही कैंडल पे हम निकल भी गए थे, तो लगभग हमारा थोड़ा सा और प्रॉफिट हो गया है इसके अंदर। तो अगर आप देखेंगे तो 2924 रुपये का आज का हमारा प्रॉफिट हुआ इसके अंदर, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी मार्केट पहले भी गिरा था, ठीक है, गिरा था, डाउनफॉल आया था, तो जब मार्केट वापस यहाँ पर एक अच्छी कैंडल बना रहा था तो मैंने यहाँ पर कहीं एक छोटा सा स्केल्प करा था और हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके यहाँ पर निकल गए थे।
तो ठीक है, मैं यहाँ पर पेज को भी रिफ्रेश करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पेज को भी रिफ्रेश कर दिया है। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, पेज पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।